हमने देखा कि आईएमएफ के फरमाइशी जो टैक्सेस थे, जो कि बार बार तमाम इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि जो बजट पिछले महीने पेश किया गया था वो नाकाफी था, इसको आईएमएफ रिव्यू करेगा, टैक्सेस बढ़ेंगे, बहुत चीजें रीएडजस्ट होंगी। डा साहब कहते थे कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन बहरहाल वैसा ही हुआ है और अब 215 अरब के नए टैक्सेस लग गए हैं। आप पे, हम पे, जो भी इस मुल्क में टैक्स फाइल करता है उसके ऊपर जो नए टैक्सेस लगे हैं उनकी कुछ इस तरह से हमारे पास डिटेल्स सामने आई हैं। अगर तो आप सालाना 24 लाख रुपए तक आमदन करते हैं तो आपके इनकम टैक्स जो है वो बढ़ा दिया गया है, 22.5% कर दिया गया है। यानी कि ये अमीर लोगों की बात नहीं हो रही है, ये वो लोग हैं जो 2 लाख रुपए महाना कमाते हैं और ये अब किसी तरीके से हम कोई सुपर रिच की बात नहीं कर रहे, लेकिन इनको भी इतने बड़े टैक्सेस के जो स्लैब्स हैं उनका सामना करना पड़ रहा है। यूके एक फिक्स्ड इनकम टैक्स भी अब उन पे आयद कर दिया गया है। अगर आप सालाना 36 लाख रुपए कमाते हैं तो भी आपका टैक्स बढ़ के 27.5% कर दिया गया है और उस पे 4,35,000 रुपए फिक्स इनकम टैक्स भी आयद होगा। अगर आप सालाना 60 लाख से ज्यादा आमदन है आपकी तो इनकम टैक्स बढ़ा के 35% कर दिया गया है और सालाना 60 लाख से ज्यादा आमदन पर 10,95,000 रुपए फिक्स इनकम टैक्स भी आयद होगा। तो अगर तो आप टैक्स देते हैं और आप डॉक्यूमेंटेड हैं तो आपके ऊपर ये नए टैक्सेस का भरमार होगी। बड़ा आसान है सैलरी क्लास पे मजीद टैक्सेस लगा देना, क्योंकि आप रिटेल सेक्टर पे तो टैक्स लगा नहीं सकते। जब मिफ्ता इस्माइल साहब ने टैक्स लगाने की कोशिश की तो मरीम नवाज साहिबा ने एक ट्वीट कर दिया और कहा प्लीज लुक इन टू दिस मिफ्ता, और उसके बाद वो जो जरा मामूली हल्का सा 3-4 हजार रुपए का टैक्स था रिटेल क्लास पे वो भी हटा दिया गया। एग्रीकल्चरल क्लास के ऊपर इस मुल्क में टैक्स नहीं लगता है। सो ऑलरेडी जिनसे आप टैक्स ले रहे हैं उसको आप मजीद हैविली टैक्स कर रहे हैं। रियल एस्टेट के ऊपर जो है मजीद टैक्स लगने के बारे में बार बार बात की जाती है, वो आप काम नहीं करेंगे। प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस आगाज करें ताकि ये जो सफेद हाथी हैं ये मईशत के ऊपर बोझ बना के बैठे हुए हैं, ये काम आप नहीं करेंगे। सो सबसे आसान काम यह है जो ऑलरेडी टैक्स दे रहा है उसको इतना निचोड़े, इतना निचोड़े कि वो उस वक्त को कोसे कि हमने टैक्स देने का फैसला किया ही क्यों, क्योंकि टैक्स देना बुरा नहीं लगता। लेकिन अगर आप ही टैक्स दे रहे हैं और जो बाकी ये तमाम सेक्टर्स जिनकी मैंने निशानदेही की है वो टैक्स ब्रैकेट से बाहर है और एक ट्वीट के ऊपर उनपे से टैक्स वापस कर दिया जाता है तो दुख होता है, फिर आपको भी होता होगा, हमें भी दुख होता है। बहरहाल जी, मिफ्ता इस्माइल साहब जो थे उनकी पॉलिसी से बिल्कुल ही अपोजिंग पॉलिसी थी इसहाक डार साहब की, और आज जब ये बजट पेश हुआ और आईएमएफ के साथ हम डील के करीब हैं तो हमें इस वक्त जो इसहाक डार साहब की मौशी पॉलिसी पर मिफ्ता साहब के कहके याद आ रहे हैं, आपको भी दिखाते हैं। मैं, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आईएमएफ को मैंने हैंडल करना है, मिफ्ता साहब ने हैंडल नहीं करना। अक्टूबर में आना था आईएमएफ के डेलीगेशन को, नहीं आया। आईएमएफ की इंस्टॉलमेंट मिलनी थी, नहीं मिली। आई डोंट केयर, मैंने को मिनटें नहीं करनी उनकी, अगर नहीं आते तो विल मैनेज, नो प्रॉब्लम। आईएमएफ का 9th मिशन हाल ही में पाकिस्तान आया और उससे हमारी मुआशी टीम के मुज़ाकरात 10 दिन हुए, जिसके नतीजे में 170 अरब रुपए के इजाफी टैक्स लगाने की मंजूरी दी है। पाकिस्तान अपनी कमिटमेंट वक्त पे करेगा, आईएमएफ और नो आईएमएफ, कॉन्स्पिरेसी पाकिस्तान के खिलाफ जाल बिछाया हुआ है, ये जियोपॉलिटिक्स हो रही है। आप शहबाज शरीफ साहब की पेरिस में एमडी आईएमएफ से 2 दफा मुलाकात हुई, इन मुजाकरात के नतीजे में 215 रुपए के टैक्स माने हैं। और जिस तरीके से बजट पेश किया गया ये भी जरा आपको दिखाया, आज पार्लियामेंट के अंदर मामला था क्या, कोरम पूरा नहीं था, वहां पर वजीर आजम साहब नहीं थे, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो कि फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़े अहम, पिछली दफा जो बजट में इतराजात थे उसके बाद हमारा ख्याल था कि जब बजट पेश हो रहा होगा एटलीस्ट यहां पर टॉप टीयर क्यादत मौजूद जरूर होगी, बिलावल भुट्टो साहब नहीं थे, आसिफ जरदारी साहब नहीं थे, अपोजिशन लीडर राजा रियाज साहब वो यहां मौजूद नहीं थे। पिछली दफा उन्होंने कहा उन्हें भी इतराजात है बजट के ऊपर, तो आए पार्लियामेंट के अंदर आके अपने बजट के तमाम जो इतराजात हैं उनको वाजे करें, लेकिन उन्होंने तौफीक नहीं की कि आज वो ऐवान के अंदर आते। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी नूर आलम खान साहब भी आज ऐवान के अंदर नहीं थे। सो ये अधूरे से कोरम के साथ जल्दी जल्दी ये तमाम जो शिकें हैं बजट की ये पास करा दी गई हैं।